गौथम शहर बिल्कुल एक सिक्के की तरह है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह गौथम के भी दो रूप हैं। एक पहलू अमीरी, शोहरत और चकाचौंध वाला, वहीं दूसरा पहलू भूख, गरीबी और जुर्म का। हम रूबरू होते हैं एक नकाबपोश बैटमैन से, जो अपने तरीके से इस जुर्म से लड़ता है। शहर को नया डिस्ट्रिक्ट अटर्नी मिलता है, हार्वी डेंट, जो जनता से ये वादा करता है कि वो शहर की खोखली हो चुकी कानून व्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाएगा और इस जुर्म के पीछे की वजह क्राइम लॉर्ड कार्ल ग्रीसन को जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा। आगे हम रूबरू होते हैं जैक नेपियर से, जो कार्ल ग्रीसन का राइट हैंड है, लेकिन छुपकर ग्रीसन की मिस्ट्रेस से नाजायज संबंध बनाता है। गौथम शहर अपनी स्थापना के 200 साल पूरे करने वाला है और एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। मेयर पुलिस को यह ऑर्डर देता है कि कार्ल ग्रीसन को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, ताकि पब्लिक बिना किसी झिझक के जश्न में शामिल हो सके। दूसरी तरफ गौथम टाइम्स का रिपोर्टर नॉक्स बैटमैन की स्टोरी पर काम कर रहा है, लेकिन लोगों को अब तक बैटमैन नाम की किसी चीज पर यकीन ही नहीं है। हम रूबरू होते हैं विकी वेल से, जो एक अवार्ड विनिंग रिपोर्टर है और बैटमैन की स्टोरी से बहुत ज्यादा इंप्रेस है। वो नॉक्स को इस स्टोरी पर साथ काम करने के लिए कहती है और नॉक्स इसके लिए राजी हो जाता है। कार्ल ग्रीसन, जो एक्सिस केमिकल का मालिक है, लेकिन इस फैक्ट्री के पीछे वो ड्रग्स का धंधा करता है। नए अटर्नी हार्वी डेंट की वजह से ग्रीसन पर इन्वेस्टिगेशन की तलवार लटक रही है। वो जैक को यह जिम्मेदारी देता है कि फैक्ट्री जाकर सारे सबूतों को नष्ट कर दे, लेकिन असल में ये एक ट्रैप है जो खुद ग्रीसन ने बिछाया है, क्योंकि उसे जैक और अपनी मिस्ट्रेस के नाजायज रिश्तों के बारे में पता चल चुका है। ग्रीसन करप्ट ऑफिसर एकहार्ट को यह कहता है कि वो जैक को एक एनकाउंटर में मार दे। ब्रूस के घर बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, जहां शहर के नामी लोग आए हैं। इसी पार्टी में ब्रूस की मुलाकात होती है विकी वेल और नॉक्स से। पार्टी के दौरान कमिश्नर गॉर्डन को ग्रीसन के एक्सिस केमिकल के प्लान के बारे में पता चलता है। सीसीटीवी फुटेज से ब्रूस को भी इस प्लान का पता चलता है। एक्सिस केमिकल में जैक और पुलिस के बीच में एक भयानक गन फाइट होती है, जिसमें करप्ट ऑफिसर एकहार्ट मारा जाता है। बैटमैन से हुई झड़प के दौरान जैक एक केमिकल टैंक में गिर जाता है। सब सोचते हैं कि वो मर गया, लेकिन वो मरता नहीं है। टैंक में गिरने की वजह से उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका है और उसका चेहरा बिगड़ चुका है। प्लास्टिक सर्जरी करके वो खुद को जूकर के रूप में वजूद में लाता है और आते ही ग्रीसन को अपने रास्ते से हटा के शहर का नया क्राइम लॉर्ड बन जाता है, और जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। ब्रूस और विकी वेल की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है। दूसरी तरफ शहर में जोकर का आतंक सारी हदें पार कर चुका है। जोकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जहरीले केमिकल्स मिलाकर सैकड़ों लोगों की जान ले लेता है। बैटमैन जोकर की असलियत पता करने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि जैक ही जोकर है। विकी वेल एक म्यूजियम को विजिट करती है, जहां जोकर हमला कर देता है, लेकिन बैटमैन विकी को बचा लेता है। शायद विकी को अब शक होने लगा है कि ब्रूस ही बैटमैन है, इसलिए अगली सुबह ब्रूस विकी को अपनी असलियत बताने के लिए उसके घर जाता है। लेकिन जोकर, जो विकी को पसंद करने लगा है, वहां आ जाता है। वो ब्रूस पर गोली चला के हमला करता है, लेकिन एक मेटल प्लेट की वजह से ब्रूस गोली से बच जाता है। ब्रूस अपने माँ बाप के एविडेंस और उस रात को याद करता है, तो उसे पता चलता है कि जैक उर्फ जोकर ने ही उसके माँ बाप को मारा है। ब्रूस विकी वेल को अपनी असलियत बता देता है कि वही बैटमैन है। आज गौथम सिटी का 200th एस्टेब्लिशमेंट डे है। इस परेड के दौरान जोकर जहरीली गैस से भरे बैलून से लोगों पर हमला करता है, लेकिन बैटमैन अपने बैट प्लेन से इन बैलून्स को ले जाके शहर से दूर छोड़ देता है। जोकर विकी वेल को लेके चर्च के क्लॉक टावर पर चला जाता है, जहां बैटमैन उसका पीछा करता है।
यह बैटमैन एक एक करके जोकर के सभी आदमियों को चित कर देता है और फिर जोकर से टकराता है और उसे बताता है कि बैटमैन बनने की वजह दरअसल जोकर ही है, क्योंकि उसी ने उसके माँ बाप को मारा है। इसी झड़प के दौरान जोकर क्लॉक टावर से नीचे गिर के मर जाता है और पब्लिक और पुलिस आखिरकार ये मान लेती है कि हाँ, बैटमैन का भी कोई वजूद है। बैटमैन एक बैट सिग्नल देता है जिससे कभी पुलिस को अगर बैटमैन की जरूरत हो तो वो उसे बुला सकते हैं। और यहीं पे इस स्टोरी का एंड होता है। इस कहानी में हम रूबरू होते हैं ब्रूस नाम के एक ऐसे शख्स से जो अपने माँ बाप की हत्या के बाद क्राइम से लड़ने के लिए बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहनता है। लेकिन करप्शन और जुर्म इतना ज्यादा बढ़ चुका है और शहर जुर्म के दलदल में इतना ज्यादा धंस चुका है कि वो हारती हुई जंग लड़ता हुआ दिखता है। दूसरी तरफ हम जैक नेपियर से रूबरू होते हैं और क्राइम वर्ल्ड की दुनिया से रूबरू होते हैं जो बाहर से तो बहुत चकाचौंध वाली लगती है, लेकिन अंदर से हम ये देखते हैं कि वहाँ पैसे और दौलत के लिए हर कोई किसी की भी पीठ में छुरा भोंक सकता है। तो ये थी बैटमैन 1989 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।